welcome you all in safe classes, that is simple and fun education. In the last class, you studied about the reproduction in human beings, that how it takes place in case of human beings. In today's class, we will consider the last two topics of your chapter. One is the methods of birth control. And the second is STDs, that is sexually transmitted disease. So let's start today's class. If you like this class, then hit the like button, subscribe my channel and share the video. Let's start this class. First, the methods of birth control. So why there is need to control the birth? So iska main jo answer rehta hai wo kya hota hai, to control population exposure. Jo population hai wo kya kar rahi hai, इंक्रीज कर रही है डे बाय डे, तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो बर्थ रेट हो उनको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए. अब जो बर्थ्स होंगे उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सो बाय यूजिंग दीज मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल जो पॉपुलेशन होगी उसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा. यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म फैमिली प्लानिंग, और जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करते हैं, काफी सारे प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं कि हम दो हमारे दो, आपने ये स्लोगन जो वो भी सुना होगा, और फैमिली प्लानिंग टर्म भी क्या होगी सुनी होगी. तो इसमें क्या होगा कि फैमिली प्लान करना है यानी कि एक जो फैमिली होगी उसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, इस चीज को क्या करना, डिसाइड करना, और कितना गैप रहना चाहिए टू बेबीज के बीच में वो भी. अब इसमें जो मेन गोल रहता है वो क्या होता है, स्मॉल फैमिलीज जो होती है उनको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है. किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल फैमिली को, यानी कि एक जो फैमिली को उसमें कितने, मतलब एक अगर पेरेंट्स हैं तो उन पेरेंट्स के कितने बच्चे होने चाहिए, ओनली टू किड्स, टू किड्स हो तो ये क्या है, स्मॉल फैमिली होगी. इस टेक्निक को, मतलब ये जो एक मेन जो मोटो है या जो गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई है फैमिली प्लानिंग के लिए रिगार्डिंग, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए क्या जरूरी है, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल को स्टडी करना जरूरी है. सो वी विल स्टडी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ऑन व्हिच प्रिंसिपल दीज मेथड्स वर्क. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट जो है मेथड, इसके अंदर वो क्या होगा, बैरियर मेथड. फर्स्ट मेथड इज द बैरियर मेथड. Then we will study about IUDs, that is intrauterine devices. उसके बाद जो next होगा वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर birth control pills के बारे में, और last हम पढ़ेंगे इसके अंदर surgical method के बारे में. अब चलो first जो topic है that is the barrier method, इसको study करते हैं. The principle behind this method is to prevent the meeting of the male and the female gamete. ये जो मेथड होगा वो क्या करेगा, एक बैरियर को फॉर्म करेगा. बैरियर मीन से ही पता चलेगा कि बैरियर यानी कि किसी रास्ते के अंदर कोई चीज क्या है, रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आगे मूव नहीं कर पाओगे. इन द सेम वे इस मेथड के अंदर क्या होगा, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे उनको प्रिवेंट किया जाएगा कि वो क्या है, फर्टिलाइज ना हो, वो मीट ही ना करे. तो इस मेथड के अंदर किसका यूज किया जाएगा, इस मेथड के अंदर आ जाएंगे कॉन्डोम, डायफ्रेगम एंड फीमेल के केस में यूज होंगे. ये किस चीज से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ रबर, रबर के क्या होंगे ये बने होंगे. जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, आईयूडीज है. आईयूडीज मतलब कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आई से इंट्रा, यू से यूटेराइन और डी स्टैंड्स फॉर डिवाइसेस. इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस एज द नेम सजेस्ट कहां प्लेस किए जाते हैं, यूट्रस ऑफ द फीमेल बॉडी. इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है कॉपर टी का. ये जो कॉपर टी होती है इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना. और इसके अंदर क्या होगा, जो कॉपर टी है या फिर जो कॉपर रिलीजिंग इसके अंदर आईयूडीज यूज की जाती है. इसके अलावा एक और होती है दैट इज हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. These IUDs make the uterus unsuitable for implantation as well as they do phagocytosis. ये क्या करते हैं, phagocytosis करते हैं. phagocytosis जो प्रोसेस होगी इसके थ्रू ये क्या करेंगे, जो स्पर्म्स होंगे उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे. They will kill the sperm as a result fertilization will not take place. Next क्या है, birth control pills हैं.
ये जो पिल्स होती हैं दे आर बेस्ड ऑन हॉर्मोन्स. ये क्या होते हैं? हॉर्मोन्स बेस्ड होती हैं. इनके अंदर जो हॉर्मोन्स होंगे मेनली जो हॉर्मोन होता है वो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन. ये जो हॉर्मोन्स होंगे ये क्या करेंगे? सप्रेस कर देंगे द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. अब देखो ओव्यूलेशन जो हो रहा था उस प्रोसेस का मतलब क्या था? एग जो होगा वो रिलीज होगा. अगर इस हॉर्मोन ने क्या किया? ओव्यूलेशन की प्रोसेस को क्या कर दिया? वहां पे सप्रेस कर दिया है कि एग जो है वो रिलीज नहीं हो रहा. अब अगर एग ही रिलीज नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन तो होगी. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? दो गैमेट्स होने चाहिए. एक गैमेट अगर अकेला प्रेजेंट रहेगा सेकेंड एब्सेंट है तो इस केस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी नहीं. तो ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ही क्या करती है? सप्रेस कर देती है. एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होंगे वो क्या होते हैं? निल हो जाते हैं. अब जो लास्ट मेथड है इट इज द सर्जिकल मेथड. ये जो मेथड होता है ये सर्जिकल मेथड है और ये मेथड क्या है? परमानेंट मेथड. दिस मेथड इज अ परमानेंट मेथड एंड इट्स इररिवर्सिबल इन नेचर. ये क्या है? इररिवर्सिबल इन नेचर होगा, परमानेंट होगा. इसके अंदर दो टेक्निक्स हैंगी. वन इज द ट्यूबेक्टोमी एंड सेकेंड इज द वैस्कोटोमी. लेट स्टडी ये दोनों टर्म्स क्या होती है. अब देखो इनके नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है. ट्यूब है इसके अंदर, है ना? इस वर्ड में क्या आया है? ट्यूब. ट्यूब कहाँ होती है? कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था आपने? यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था? फेलोपियन ट्यूब. तो इसमें क्या हो रहा है? ट्यूबेक्टोमी है, यानी कि इसमें क्या हुआ? सर्जिकल मेथड है. तो इसमें क्या हुआ? सर्जरी के थ्रू वाया सर्जरी जो फेलोपियन ट्यूब होगी इट इज टाइड थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड और कट कर दी जाएगी. तो उसकी वजह से क्या होगा? जो एग रिलीज हुआ ओवरी से वो क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब में फर्दर ऑन मूव नहीं कर पाएगा. और अगर स्पर्म रीच कर भी रहा है फेलोपियन ट्यूब में तो वो क्या होगा? उस एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा. तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड. और वैस्कोटोमी के अंदर क्या होगा? जो ये वर्ड है वेस्ट वर्ड किस में आया था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. कहा आया था? वेस्ट डिफरेंस पढ़ा था ना आपने. तो वेस्ट डिफरेंस क्या थी? वो ट्यूब थी जो कि क्या कर रही थी? स्पर्म को फ्रॉम द डेस्टिस टू द यूरेथ्रा लेकर के जा रही थी. अब अगर इस ट्यूब को क्या कर जाएगा? कट कर दिया जाएगा और टाई कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. तो उस केस में क्या होगा? जो स्पर्म्स होंगे वो क्या होंगे? उस यूरेथ्रा तक रीच ही नहीं करेंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा? जो स्पर्म होंगे वो रिलीज ही नहीं होते हैं. तो ये जो दोनों मेथड्स होंगे ये क्या होंगे? परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल हैं. जो रेस्ट ऑफ द मेथड्स ये क्या थे? टेम्पररी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल थे. अब इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन सा हुआ. फर्स्ट तो ये हो गया कि वैस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी के डेफिनेशंस या इसका डायग्राम शो करना, या फिर लाइक सपोज आपको डायग्राम गिवन है एंड आपको ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि इन दोनों में से बताओ कौन सी प्रोसेस कौन सी वाली होगी. इसके अलावा और जो होता है मेथड इसके अंदर आते हैं इससे रिलेटेड, बैरियर मेथड से रिलेटेड. इसमें क्या आएगा कि विच मेथड प्रिवेंट्स द एसटीडीज, कौन सा मेथड है जो कि एसटीडीज को प्रिवेंट करता है. तो उसमें वाले नॉन मेथड कौन सा होगा? बैरियर मेथड. उसमें भी जो ये वाला हमने पढ़ा है कॉन्डम का, इसका, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? इनके केस में फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा बॉडी का. एज ए रिजल्ट जो एसटीडीज होती है वो भी क्या होती है? प्रिवेंट होती है. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वो क्या होता है कि विच मेथड इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड बाय वुमेन इन इंडिया. तो ये आईयूडीज जो होती हैं ये क्या है? मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है जो कि इंडिया में क्या है? यूज किया जाता है आज के टाइम में. अब बेनिफिट्स क्या होते हैं बाय ऑफ यूजिंग ऑल दीज मेथड्स? जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हमने पढ़े हैं इन मेथड्स को यूज करने का बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट मेथड क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा कि जो पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड को क्या है? हमें यूज करना है. सेकेंड क्या है? इट रिमूव्स और इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करेगा? ये रोक देगा अगर हम इस मेथड को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं इस केस के अंदर. एज वेल एज आई टोल्ड यू हियर दैट ये क्या करते हैं? इट प्रिवेंट्स द एसटीडीज. जो ये वाले मेथड होंगे वो क्या करेंगे? एसटीडीज को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं. यानी कि उसकी वजह से क्या होगा? जो एसटीडीज होंगी वो ट्रांसफर नहीं होंगी. तो ये टॉपिक क्या था आपका? मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनके पीछे प्रिंसिपल क्या होगा और इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका? एसटीडीज है. चलिए उसको स्टार्ट करते हैं. कौन कौन सी एसटीडी होंगी, उनके पॉजिटिव एजेंट्स कौन से रहेंगे उनको देख लेते हैं. तो एसटीडी का मतलब क्या होगा? एसटीडी थ्री टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स की फुल फॉर्म. यानी कि तीनों का मतलब क्या होगा? एस यानी कि S से क्या हुआ? सेक्सुअली. T stands for transmitted.
एंड डी स्टैंड फॉर डिजीज, यानी कि ये वो डिजीज होंगी जो कि फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनदर इन्फेक्टेड पर्सन क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और किस टाइम पे होंगी, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स क्या होंगी, ये ट्रांसफर होती है. तो ये जो डिजीज होंगी दीज आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अब आपके सिलेबस में क्या है, गिवन है कि डिजीजेस थ्रू वायरस एंड थ्रू बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी होती हैं उनके एग्जांपल दो, या फिर जो वायरस होगा उसके थ्रू कौन सी होगी तो उसके एग्जांपल दो. तो ये क्वेश्चन क्या होता है, रैंडमली पूछ लिया जाता है, और उसमें सिर्फ ये पूछेगा आपसे, इस तरीके से पूछेगा कि मतलब बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है उसका एग्जांपल दे दो, या फिर जो वायरस के थ्रू होगी उसका दो. तो बैक्टीरिया के थ्रू जो होगा वो आपके सिलेबस में दो है, एक तो इसमें गोनेरिया और सेकेंड इज सिफिलिस. ये दो डिजीज क्या होंगी, बैक्टीरिया की वजह से होती है, अकर करती हैं, और वायरस की वजह से जो आपको पता ही है वायरस की वजह से कौन सी है जो मोस्ट फेमस है, दैट इज एचआईवी की वजह से होगी, और वो कौन सी होगी, एड्स. ठीक है, एड्स है, और इसका वायरस कौन सा होता है, एचआईवी होगा. तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. एड्स जो डिजीज होती है इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से हो रहा है. तो ह्यूमन इम्यूनो यानी कि इस बीमारी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होगा किसी एक पर्सन का वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वीकेंड हो जाता है. और देखो ए आई डी एस का मतलब क्या था, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, और सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब कि बहुत सारे डिजीज के सिम्टम्स या बहुत सारी बीमारियां क्या होती है सेम टाइम पे हो जाती है. इसकी वजह से क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम होता है किसी पर्सन का वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक करता है ऑन द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन. एज अ रिजल्ट अगर कोई जो पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी स्मॉल या बिल्कुल हल्के फुल्के किसी बीमारी के अंदर भी कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वो क्या होती है, बहुत ज्यादा ड्रेडफुल डिजीज के अंदर या फैटल डिजीज के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को ये डिजीज है और उसको क्या हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड नॉर्मली क्या होता है, वन वीक के अंदर क्योर हो जाएगा. बट इनके केस में क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ही नहीं है ना, अब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो वो फाइट ही नहीं करेगा. अब इम्यून सिस्टम फाइट ही नहीं कर पा रहा, इस वजह से क्या होगा, वो सिंपल कॉमन कोल्ड किसमें कन्वर्ट हो सकता है, न्यूमोनिया के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है. काफी ज्यादा क्या है, डेंजरस होती है. इसकी वजह से जो पर्सन होगा काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा बीमारियां टाइम टाइम लगती रहती है. इतना डिटेल में नहीं आता आपका सिलेबस में ये, इसमें आपको सिर्फ वन मार्क्स के क्वेश्चन ही बनते हैं मोस्टली, कि इसको कॉजेटिव एजेंट क्या रहेगा, वायरस है, बैक्टीरिया है, और या फिर इनके एग्जांपल दे दो इस तरीके से. और जो नेक्स्ट है वो क्या है, गोनेरिया और सिफिलिस है. ये जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, जो कि क्या करेंगे, अकर करेंगे किसी भी ह्यूमन बींग के अंदर. और ये क्या था आपका एसटीडीज का था, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो अब इसके क्या है, प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं. तो प्रिवेंशन में क्या आएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो क्या है कि यूज ऑफ कॉन्डोम, है ना, जो भी हमने पढ़ा कि बैरियर मेथड का यूज करना, तो इस मेथड को यूज करें. सेकंड क्या होगा, अवॉइड इंटरकोर्स विद अननोन पर्सन, किसी भी अननोन पर्सन के साथ क्या है, कॉन्टेक्ट ना करना. एज वेल एज ये जो बीमारी है, जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स से ट्रांसफर हो, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं. लेट्स से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके थ्रू भी ये डिजीज अकर करती हैं. तो जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो किसी भी अननोन पर्सन या किसी भी अदर पर्सन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक रेजर हो गया, सीजर्स हो गई, इनको क्या करना, यूज ना करना. ब्लेड्स हो गए, इनको यूज ना करना, क्योंकि हो सकता है कि उससे क्या हो, उस पर्सन की बॉडी के अंदर कभी कट लगा हो तो वो जो ब्लड हो उसके ऊपर लगा हो, और इफ द हेल्दी पर्सन यूज दैट पर इन्फेक्टेड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, वो डिजीज ट्रांसफर हो सकती है. इसके अलावा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, यानी कि ब्लड क्या किया जा रहा है, किसी पर्सन को दिया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है, तो एट दैट टाइम क्या हो, उस ब्लड को प्रॉपर्ली चेक किया जाए. किसी भी पर्सन को ब्लड जब ट्रांसफर किया जा रहा है, एट दैट टाइम उस ब्लड को क्या किया जाए, प्रॉपर्ली चेक किया जाए, सो दैट वो डिजीज क्या हो, ट्रांसफर ना हो. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और डिजीज भी आती है, दैट इज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस जो डिजीज होती है वो क्या होगी, इसी की वजह से क्या होती है, कॉज होती है. ठीक है, तो ये क्या था आपका आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, एसटीडीज क्या होती हैं, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे, किसके बेसिस पे काम करते हैं. एसटीडीज में हमने पढ़ा एसटीडीज क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप की एसटीडीज होंगी, मतलब कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट रहेंगे, कौन सा क्या कॉज करेगा, एंड देन वी स्टडीड द प्रिकॉशंस और
प्रिवेंशंस ऑफ द एसटीडीज. तो ये सब क्या है, आज का जो टॉपिक था आपका वो खत्म हो गया. ये जो चैप्टर था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वो क्या है, फिनिश हो गया है. जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जो सेक्शन हो आपको समझ ना आया हो, तो आप उसकी क्वेरीज क्या है कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं. तब तक के लिए बाय. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. थैंक यू.